स्वागत है आप सभी का तफ्तीश की इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह। हम आपको अगले आधे घंटे में दिखाएंगे जुर्म की सबसे बड़ी खबरें, उन खबरों की करेंगे तफ्तीश, अपराध की वजहों की करेंगे पड़ताल, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन अपराधों का समाज पर कितना असर पड़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं तफ्तीश की आज की कड़ी। छब्बीस जनवरी से पहले भारत के खिलाफ आईएसआई की एक और नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि आईएसआई भारत अफगानिस्तान के बीच संबंध बिगाड़ने की कोशिश में लगा है। रॉ ने चेतावनी जारी की है कि पाकिस्तान भारत में आतंकी हमले की साजिश रच रहा है और इसके लिए वो पाकिस्तान में रह रहे अफगानी मूल के लोगों का इस्तेमाल कर सकता है। आतंकी खतरे को देखते हुए पूरे देश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पाकिस्तान की नई साजिश, अफगान से रिश्तों पर अटैक, आईएसआई करेगा अफगान आतंकियों का इस्तेमाल, अफगान टू इंडिया अटैक। जी हां, इस बार भारत में दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान ने एक और बड़ी साजिश रची है और यह साजिश है अफगान टू इंडिया अटैक। इस बार उसकी कोशिश है कि वो एक हमले में दो निशाने लगाए। इस बार पाक एजेंसी आईएसआई ने भारत में आतंक फैलाने के लिए उन आतंकियों को चुना है जो उनके मुल्क के नहीं है। आईएसआई ने इस बार उनकी जमीन से आतंक की ट्रेनिंग ले रहे उन आतंकियों को चुना है जो भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान के हैं और इस अटैक से भारत अफगान के रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग है। आईएसआई भारत में 26 जनवरी पर हमले की साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि आईएसआई भारत अफगानिस्तान के बीच संबंध बिगाड़ने की कोशिश में लगा है। रॉ ने चेतावनी जारी की है कि पाकिस्तान भारत में आतंकी हमले की साजिश में लगा है और इसके लिए वो पाकिस्तान में रह रहे अफगानी मूल के लोगों का इस्तेमाल कर सकता है। आईएसआई ने अफगान मूल के कुछ लोगों को अफगानिस्तान के रास्ते भारत भेजने के लिए चुना है। आतंकी मंसूबों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की सीमा में चल रहे टेरर कैंप से उन आतंकियों को चुना है जो मूल रूप से अफगानिस्तान के रहने वाले हैं और उनका पासपोर्ट बना हो। इसके जरिए ये अफगान से होते हुए भारत में आएंगे और आतंकी साजिश को अंजाम तक पहुंचाएंगे। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के बाद दिल्ली मुंबई समेत देश के बड़े शहरों में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अब पश्चिमी सीमा के बदले पूर्वी सीमा पर भारत को चोट पहुंचाने की फिराक में है। आईएसआई हमेशा से कश्मीरी अलगाववादियों को समर्थन देकर पीओके में आतंकी कैंपों को बढ़ावा देना जारी रखा है ताकि भारत में समय समय पर हमलों को अंजाम दिया जा सके। इस बीच मंगलवार सुबह जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में जवानों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों के पास से AK-47 बरामद की गई है। सेना को गांदरबल जिले के हदुआ गांव में दो आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही एक मकान में छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी जिसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि दोनों ही आतंकियों का संबंध लश्कर ए तैयबा से है। इस ऑपरेशन के अंदर लश्कर ए तैयबा तंजीम के दो फॉरेन टेररिस्ट अबू अनस और अबू अली मारे गए हैं। इनसे हथियार और एम्युनिशन बरामद किया है। हम दूसरी ओर राजौरी जिले के सुंदरबनी में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक घुसपैठिया मारा गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सुंदरबनी सेक्टर में एक ग्रुप जो था वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, उग्रवादियों का ग्रुप। उस ग्रुप को चैलेंज किया गया और एक फायर फाइट के दौरान, हैवी रिटेलिएटरी फायर के दौरान एक उग्रवादी को जो है भारतीय सेना ने मार गिराया है। इससे पहले 19 जनवरी को बांदीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में लश्कर का एक टॉप कमांडर मारा गया था। 16 जनवरी को पहलगाम में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था और 3 जनवरी को सोपेर में मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया था। वहीं एक बार फिर आतंकी खतरे के अलर्ट के बाद सेना पहले से ज्यादा मुस्तैद है और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। क्राइम डेस्क, इंडिया 24/7।
भारत पर आतंकी हमले का खतरा है, लिहाजा देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आशंका यह भी है कि हमलावर सेना या पुलिस की वर्दी में हो सकते हैं। इसके साथ ही पुलिस ने कुछ आतंकियों की तस्वीरें भी जारी की हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर कुछ खास इलाके आतंकियों के टारगेट पर हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। आशंका ये भी है कि हमलावर सेना या पुलिस की वर्दी में हो सकते हैं। साथ ही किसी भारी वाहन से फ्रांस के नीस शहर जैसा हमला दोहराया जा सकता है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां कोई जोखिम नहीं ले रही है। दिल्ली में घुसने वाले हर भारी वाहन की कड़ी तलाशी ली जा रही है। 26 जनवरी को लेकर राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आतंकी खतरे की आशंका जताई जा रही है। खुफिया एजेंसी ने दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट जारी किया है। इस पर सबसे ज्यादा खतरा दिल्ली एयरपोर्ट पर है, लिहाजा वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा राजपथ से लेकर इंडिया गेट और जिन इलाकों से ये परेड गुजरेगा वहां तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरा के अलावा सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। अलर्ट के मुताबिक जो आतंकी हैं वो सेना का वर्दी या फिर पुलिस वर्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिहाजा परेड में शामिल होने वाले जवानों या फिर सुरक्षा में शामिल जो जवान हैं उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके अलावा केमिकल बेचने वाले केमिकल ऑनर को भी अलर्ट किया गया है ताकि जो भी लोग उनसे केमिकल लें उनकी प्रॉपर रिपोर्ट रखी जाए, ताकि अगर कोई ऐसी आशंका घटती है तो आतंकियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा दिल्ली से सटे तमाम जो बॉर्डर इलाके के डिस्ट्रिक्ट हैं उनको हिदायत दी गई है जितनी भी भारी वाहन खासकर ट्रक जो अंदर आते हैं उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाए, ताकि जो हमला फ्रांस में हुआ था उस तर्ज पर हमला ना हो सके। लिहाजा तमाम ट्रकों की प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाए ताकि किसी तरह सुरक्षा में चूक ना हो। इसके अलावा जो तमाम राजधानी दिल्ली के तमाम बॉर्डर से सटे इलाके हैं उन्हें भी अलर्ट किया गया है। पूरा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उन्हें अलर्ट किया गया है। आप यहां पर देख सकते, चूंकि ट्रक से खतरा है, यानी जो सेना के जो यहां पर ट्रक्स भी जो राजपथ पे आ रहे हैं उन्हें भी प्रॉपर चेक किया जा रहा है, उनका आई कार्ड तक चेक किया जा रहा है, ताकि ये जो कोई भी संदिग्ध अंदर ना आ सके, क्योंकि सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। जो जवान हैं प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करने के बाद इन ट्रकों को अंदर जाने की इजाजत दे रहा है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या फिर सेना का जवान या फिर कोई आम आदमी, प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन किया जा रहा है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो। इस गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। सुरक्षा बलों को खासतौर पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर तैनात किया गया है। मध्य और नई दिल्ली के इलाकों में सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के करीब 50,000 जवान तैनात किए गए हैं। सुरक्षा बलों के कुछ जवान ऊंची इमारतों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस होकर आसमान से आने वाली किसी भी आफत पर नजर बनाए रखेंगे। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स हैं, सब बॉर्डर्स में पिकेट लगाई जाएगी, जो भी वहां से गुजरेगा उसकी चेकिंग की जाएगी। उसके अलावा कई लेयर्स में इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में। उसमें जो है कुछ एरिया कंट्रोल्ड एरिया है, कुछ प्रोहिबिटेड एरिया है, इसमें केवल कुछ लोगों को जो अलाउ करेंगे उसमें, जो वेन्यू की तरफ केवल उन्हीं को अलाउ करेंगे जिनके पास पास हैं या अपने उनके व्हीकल्स में पार्किंग लेबल्स हैं। इसके अलावा दिल्ली की मॉनिटरिंग के लिए तीसरी आंख भी तैयार। हालांकि पिछले दिनों आईबी की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि करीब 700 सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब दावा हो रहा है कि हर एक खामी को दुरुस्त कर दिया गया है। सिर्फ नई दिल्ली इलाके में लगे 1600 सीसीटीवी की मॉनिटरिंग के लिए 8 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इस वक्त मैं हूं एक कंट्रोल रूम में और यहां के जरिए तस्वीरें दिखाना चाहता हूं किस तरीके से सीसीटीवी के जरिए पूरे इलाके को कंट्रोल किया जा रहा है, देखा जा रहा है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु अगर दिखाई दे तो उस पर तुरंत सूचना आगे बढ़ाई जाती है, और किस तरीके से जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको पूरी तरह से पैनी नजर रखी जा रही है।
दिल्ली पुलिस ने आतंकी हमले को लेकर पब्लिक को अलर्ट करने के लिए बब्बर खालसा और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के पोस्टर भी जगह जगह लगाए हैं। मैं मौजूद हूं दिल्ली के सीलमपुर के इलाके में और यहां कुछ पोस्टर लगाए गए हैं। ये जो बब्बर खालसा और इंडियन मुजाहिदीन और इसके अलावा और जो आतंकवादी संगठन हैं उनके पोस्टर हैं और इस पर लिखा हुआ है कि आतंकवादी जिनकी दिल्ली पुलिस को तलाश है और उसके बाद जो आतंकवादी हैं उनके पोस्टर लगे हुए हैं, उनके नाम यहां पर हैं और उसके बाद में लिखा है कि सूचना देने पर उचित इनाम पाइए, आपका नाम गुप्त रहेगा। इसके अलावा इस बार गणतंत्र दिवस पर इस साल पहली बार राजपथ पर केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इक्विप्ड यानी CBRN टीम तैनात रहेगी। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के लिए 25 जनवरी से दिल्ली के बॉर्डर में घुसने वाली हर एक गाड़ी को पुख्ता तौर पर चेक किया जाएगा। खतरा बड़ा है, लिहाजा सुरक्षा भी कड़ी है। इस वक्त हम इंडिया गेट के पास है और यही वो जगह है जहां से 26 जनवरी को परेड गुजरेगी और आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में बॉम्ब स्क्वाड के साथ साथ स्नीफर डॉग्स को लेकर एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कहीं कोई विस्फोटक तो यहां पर नहीं दबा दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के करीब 35,000 जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज रहेंगी और NSG कमांडो भी अलग अलग रहेंगे। नीरज गौड़ के साथ राजू राज, इंडिया 24/7 दिल्ली। सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि आतंकी खतरे की जद में औद्योगिक नगरी मुंबई भी शामिल है जहां आतंकी अटैक कर सकते हैं। खबर यह भी है कि ISI नेपाल सीमा से भी आतंकी भेज सकता है। मुंबई की लहरें मौज मस्ती लाती हैं लेकिन इस शहर ने महसूस किया है कि समंदर के रास्ते आतंकी भी आते हैं। इस शहर ने महसूस किया है कि यहाँ की रवानगी को दुश्मन इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि ये शहर भारत की आर्थिक राजधानी है। इसलिए आतंकियों का एक बहुत बड़ा निशाना है मुंबई। मुंबई में जितनी सुरक्षा चौकस की जाती है उतने ही नए हथकंडे खोजने की कोशिश करते हैं भारत के दुश्मन। अब खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया है कि आतंकी पालतू जानवरों का इस्तेमाल कर हमले की रणनीति अपना सकते हैं। ये कहा गया है कि कोई भी पालतू जानवर जो कि कपड़े पहने हुए है अगर उसकी अगर देखा जाए तो उसके साथ जो व्यक्ति है पालतू जानवर के साथ अगर उसकी जो गतिविधि है वो संदेहास्पद दिखाई देती है तो फौरन जो है पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करे। यानी कुल मिलाकर देखे तो 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा विभाग जो है वो अलर्ट है। खुफिया एजेंसी ने देश भर में हाई अलर्ट घोषित किया है लेकिन मुंबई में ये अलर्ट सिर्फ 26 जनवरी के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली लंबी छुट्टियों के लिए भी है। पूरे शहर में मुंबई शहर के जितने भी ऑफिसर्स है, कर्मचारी है, सबको उस दिन बंदोबस्त पे लगाया है। इसमें नाकाबंदी रहेगी, चेकिंग रहेगी, जहां पर भी आशंका है वहां पे जो स्पॉट है वो चेकिंग। सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं ये जानने के लिए इंडिया 24/7 की टीम ने मुंबई के CST स्टेशन का दौरा किया। आने वाली 26 जनवरी को लेकर के खुफिया एजेंसियों ने देश भर में हाई अलर्ट जारी किया है लेकिन मुंबई में सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम हैं ये जानने के लिए हम मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं बड़ी आसानी से इस मेटल डिटेक्टर को क्रॉस करते हुए जा सकते हैं। कई सारे लोगों के पास बैग है लेकिन उसे चेक करने वाला कोई नहीं है। मुंबई पर एक अटैक भारत के विकास की रफ्तार को थाम सकता है इसलिए यहाँ की सुरक्षा को लेकर कोई भी ढील आने वाले वक्त पर चोट साबित हो सकती है। सूचना यह भी है कि ISI नेपाल सीमा से नजदीक रहने वाले करीब 100 से अधिक लड़कों को अपने जाल में फंसा चुका है और इस तरह की सूचना के बाद IB की ओर से जयपुर सहित देश के बड़े शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर पुलिस ने शहर के मुख्य स्थानों पर अतिरिक्त सैनिक तैनात किए हैं। शहर के होटल्स और संदिग्ध स्थानों पर निगरानी रखते हुए 5 अभियान चलाए हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियां और IB को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से पहले ISIS जैसे आतंकी संगठनों से देश के प्रमुख स्थानों पर हमला किए जाने की सूचना मिल रही है जिसके बाद में राजधानी जयपुर में भी सुरक्षा व्यवस्थाएं तेज कर दी गई है। जयपुर पुलिस ने आदेश भी जारी किया है कि शहर के जो प्रमुख स्थान है वहां पर सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई जाए जिसके बाद में यहां पर अतिरिक्त जाब्ता लगा दिया गया है। शहर के बड़े मंदिर देखें या अन्य प्रमुख स्थान देखें, शॉपिंग मॉल्स देखें, वहां पर पुलिस की ओर से अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है।
सुरक्षा एजेंसियों की बात की जाए तो उनको ये भी सूचना मिल रही है कि पालतू जानवरों के जरिए भी किसी तरह का हमला करवाया जा सकता है, जिसके बाद में जयपुर पुलिस ने नगर निगम से बात करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम से बात करके जो पालतू जानवर हैं उनके ऊपर भी निगरानी रखी जाएगी। तो कहा जा सकता है कि जयपुर पुलिस ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली है कि जयपुर की जो शांति व्यवस्था है उसमें किसी तरह का कोई खलल पैदा 26 जनवरी से पहले ना हो। आईबी को यह भी सूचना मिली है कि आतंकवादी पालतू जानवरों की आड़ में ब्लास्ट कर सकते हैं, इसलिए जयपुर पुलिस की ओर से लोगों को अलर्ट किया गया है कि अगर वो किसी जानवर के ऊपर कोई कपड़ा देखें तो सतर्क रहें। एक्सेस कम्प्लीटली जो ऑलरेडी सभा स्थल पे गार्ड लगा दी गई है, एक्सेस कंट्रोल एक्सरसाइज की जा रही है, और उस दिन भी जो भी दर्शक आएंगे, जो आमंत्रित अतिथिगण आएंगे, उनको पूर्ण वेरिफिकेशन के बाद, पूर्ण सत्यापन के बाद वहाँ एंट्री दी जाएगी और 24/7 राउंड द क्लॉक वहाँ पे भी सिक्योरिटी लगाई गई है। अलर्ट के बाद सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम चाक चौबंद कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी के जरिए भी नजर रखी जा रही है और कोशिश यही है कि 26 जनवरी के मौके पर परिंदा भी पर न मार पाए। मुंबई से नित्यानंद शर्मा और राकेश द्विवेदी के साथ जयपुर से शरद पुरोहित, इंडिया 24/7।